अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल कंप्यूटर नॉलेज में वेलकम करता हूँ, और आज फिर मैं आपके लिए एक कंप्यूटर बेसिक कॉन्सेप्ट पर वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको ये बताऊँगा कि आप विंडोज 7 में किस तरह अपने हार्ड डिस्क ड्राइव के साइज को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वैसे तो देखने में सिंपल मेथड है। आप सोच रहे होंगे कि ये मतलब क्या आम सी बात, ये तो हमें मतलब नॉर्मली हर इंसान को पता होता है कंप्यूटर यूज़ करने वाले को। लेकिन तो दोस्तों, हर दिन कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का यूज़ इंक्रीज हो रहा है, तो काफ़ी लोगों को इन बातों का नहीं पता, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो प्लीज़ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा कंटेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको कंप्यूटर आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने मतलब जैसे भी आपके होंगे हार्ड डिस्क ड्राइव विंडोज 7 में, वो शो हो जाएंगी, मतलब 3 हैं 4 हैं 2 हैं, तो शो हो जाएंगी। तो उसके बाद आपको मतलब इसके दो मेथड हैं, वैसे तो नॉर्मली हैं, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। तो फर्स्ट ये है कि आप मतलब ये राइट क्लिक करेंगे ना, तो उस पर मतलब फिर व्यू पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक मीन्स उस पर जैसे ही आप कर्सर को लेके जाएंगे, तो काफ़ी सारे ऑप्शन सामने आ जाएंगे। मतलब उसमें मतलब एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल, लिस्ट, डिटेल्स, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं। मेरा अभी तो मेरा मतलब है तो टाइटल्स पे है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, आप ये डिटेल्स में हो गया, ये लिस्ट, इसी तरह स्मॉल आइकन, फिर ये सबसे एक्स्ट्रा लार्ज है, ये नीचे कॉन्टेंट भी पड़ा है। इसी तरह मतलब आप को जो मतलब अच्छा लगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका, एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि आपको यहाँ ये टाइटल बार के नीचे मतलब नज़र आ रहा होगा, ये आइकन बना हुआ हो, जहाँ आप क्लिक करते जाएंगे, यहाँ वैसे आप क्लिक करते जाएंगे, अगर इस साइड पे मतलब इस आइकन की राइट साइड पे मतलब क्लिक, लेफ्ट सॉरी लेफ्ट साइड पे, तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, होते जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इनको मतलब दरम्यान में भी ले सकते हैं, मतलब आप ये देख सकते हैं, आप ये ऐसे इस तरह आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे अगर आप यहाँ आइकन पे क्लिक करते जाएंगे तो वो सिंपल चेंज होते जाएंगे, लेकिन ये अब मैं एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज आइकन के दरम्यान में ये मतलब खड़ा है इसका पॉइंट, तो ये अब दरम्यान में है। अब अगर आप वैसे करेंगे तो ये मतलब ऐसे नहीं होगा। तो इस तरह अगर आप ऐसे चाहते हैं तो ये सिंपल मेथड है, आप इस तरह भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें, एंड ये आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट मी, एंड अगर आप इस तरह की और मज़ीद अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अब आपसे नेक्स्ट अपनी वीडियो में मुलाकात होगी।